नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जुबानी वार पलटवार में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने फतेहपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर हादसे का जिक्र करते हुए दुख व्यक्त किया। वहीं चुनाव को लेकर पीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोगों ने होली से पहले 10 मार्च को जीत का रंगारंग उत्सव मनाने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने परिवारवाद के नाम पर अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। कल रात यूपी के कुशीनगर में एक परिवार शादी की रस्म में आनंद उत्सव में था और अचानक एक ऐसा हादसा हुआ। बहुत सी हमारी माताओं, बहनों, बेटियों ने अपना जीवन खो दिया। मैं सभी पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवारों की पूरी मदद की जा रही है। पहले दूसरे चरण में कई स्थानों पर जाने का अवसर मिला और जैसा दो चरणों में मैंने देखा है, तीसरे चरण के भी कुछ कार्यक्रम किए, मैं देख रहा हूं कि हर चरण में एक से बढ़कर एक ऐसे जनता जनार्दन का समर्थन बढ़ता ही चला जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों का इसलिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं प्रशासन को भी अभिनंदन करता हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण चुनाव करवाना ये बहुत बड़ी सौगात है और इसलिए प्रशासन के भी लोग, सुरक्षा बल सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। देश का सामर्थ्य बढ़ता देखकर यहां के लोगों का उत्साह बढ़ जाता है। लेकिन ये जो यूपी के घोर परिवारवादी हैं, उन्हें देश का पराक्रम कभी अच्छा नहीं लगा। देश कुछ भी अच्छा करता है, ये परिवारवादी उस पर सवाल उठाते हैं। यूपी के विधानसभा चुनाव में पूरी दम से जुटी भाजपा के कद्दावर व गृह मंत्री अमित शाह ने फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद विधानसभा के गांव नगर चूरा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने शहीद हेम सिंह सतीश बघेल को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि यह भूमि हिंदू एकता का प्रतीक है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। 1,41,00,000 गरीबों के घर में, 1,41,00,000 गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मुझे बताओ शिकोहाबाद वालों, ये साइकिल की सरकार थी, बिजली रानी आपके घर में आती थी क्या? अब योगी जी ने ग्रामीण क्षेत्र में 22 से 23 घंटा और शहर में 24 घंटा बिजली पहुंचाने की शुरुआत करी है। अगर फिर से सपा की सरकार आएगी तो अखिलेश बाबू कहते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे अखिलेश भाई, आप तो बिजली ही नहीं दे पाते थे, 200 यूनिट की क्या बात करते हो, आप तो बिजली ही नहीं दे पाते। माताओं, भाइयों, बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए शासन करती है। सपा बसपा अपनी अपनी जातियों के लिए शासन करते हैं। सपा आती थी, एक जाति का भला होता था, बसपा आती थी दूसरी जाति का भला होता था,
भाजपा आई, मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का नारा लगाया और सबको आगे बढ़ाने का कहा। एएसपी पार्टी है ना, कहने को ही समाजवादी पार्टी। एसपी के दो सूत्र है, ऐसे संपत्ति इकट्ठा करना, पी से परिवार वालों को सत्ता देना। मित्रों, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब अखिलेश के परिवार से 45 लोग अलग अलग जगह स्थान पर थे। कितने थे, जोर से बोलो कितने थे, और कोई जाति छोड़ो और कोई परिवार का भी स्थान नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में जनसभा की, वही जनसभा को संबोधित करते हुए बुंदेलखंड में अपनी सरकार के काम गिनाए और सपा पर जोरदार हमले किए। सीएम योगी ने मुफ्त राशन वितरण को लेकर डिफेंस कॉरिडोर तक के काम पर लोगों से वोट मांगा तो उन्होंने हर घर जल से नल योजना पर कहा कि अब लोगों को पानी के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। योगी ने यह भी कहा कि अब पानी की कमी की वजह से नौजवानों को कुंवारा नहीं रहना पड़ेगा। बहुत लंबा इंतजार नहीं, अब कुछ ही महीनों का इंतजार है। हमारी माताएं बहनों को जो गगरी लेकर के जाती थी, परेशान होती थी, दूर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ता था, और उसमें तो बहुत सारे हमारे जवान ऐसे थे पानी के कारण वे शादी के बगैर ही रह जाते थे, क्योंकि कोई अपनी कन्या देना नहीं चाहता था, पानी नहीं है कैसे शादी होगी। लेकिन भाइयों बहनों, अब बुंदेलखंड में किसी नौजवान को कुंवारा नहीं रहना पड़ेगा। एक पुख्ता व्यवस्था हमने कर दी है, हर घर नल की योजना, पानी के लिए अब घर के बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, घर के अंदर ही पानी की टोटी रहेगी, सबको पानी, पर्याप्त पानी और निर्बाध पानी आपको यहां पर बुंदेलखंड में हर गांव में हर घर तक पहुंचाने का कार्य कोई कर रहा है तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कर रही है। हम लोगों ने तो अपने नौजवानों को स्मार्टफोन और टैबलेट देना भी प्रारंभ कर दिया। समाजवादी पार्टी ने कंप्लेंट किया, हमने कहा भी 1 करोड़ नौजवान को दे रहे हैं, चिंता मत करो सरकार, आने दीजिए, अगले 5 साल में 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का काम करेंगे। और केवल टैबलेट और स्मार्टफोन ही नहीं देंगे बल्कि डिजिटल एक्सेस भी फ्री में देंगे। यूपी चुनाव में अखिलेश यादव भी जी जान से सपा के पक्ष में माहौल बनाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आज फिरोजाबाद और मैनपुरी में कई जनसभाओं के जरिए अखिलेश यादव ने जनता से सपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। उसका पार्टी के प्रति कभी दिखाई नहीं दिया, और ये जोश और उत्साह इसलिए दिखाई दे रहा है कि लोग और हमारे सभी लोग जान गए हैं कि पहले और दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोगों ने शतक मार लिया है। ये तीसरा और चौथा चरण जब हो जाएगा, चौथे चरण के बाद ही समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी, और सातवें चरण तक आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर सन्नाटा छा जाएगा और भूत नाचेंगे भूत। और भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ कोई पार्टी नहीं बोलती। बताओ भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है कि नहीं बोलती है? बताओ भारतीय जनता पार्टी झांसा देती है कि नहीं देती है? भारतीय जनता पार्टी झगड़ा लगाती है कि नहीं लगाती है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदलने लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं, इनको भारतीय झगड़ा पार्टी नाम रख लेना चाहिए। मैं तो कहना चाहता हूं
कि जो लोग कानून नहीं मानते, कानून व्यवस्था को नहीं मानते, वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें। जो कानून को नहीं मानना चाहते, जो कानून से नहीं चलना चाहते, जो नियमों को नहीं पालन करना चाहते, हम उनसे कहेंगे कि समाजवादी पार्टी को उनके वोट की जरूरत नहीं है। हम समाजवादी लोग इस प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, इस प्रदेश को हम तरक्की के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर तभी जाएगा जब समाजवादी सरकार बने। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में प्रचार के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत झोंक दी हैं। इस बीच मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समर्थन में रैली की। मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव के लिए लोगों से समर्थन मांगा। हम सभी साथियों से कहना चाहते हैं, आज बड़ी मेरी भीड़ आई है, मामूली बात नहीं है, इतनी भीड़ कभी होती नहीं थी सभाओं में, लाखों लोग हैं, इसलिए हैं, बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ समाजवादी पार्टी आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे और आपकी संपन्नता, किसानों की पैदावार, किसान नौजवान और व्यापारियों को तीनों मिलकर के देश का विकास करेगी समाजवादी पार्टी। और यही मैं आपसे चाहता हूँ, मुझे खुशी है कि जो इतनी भीड़ आई है तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। इतनी भीड़ भरी उम्मीद के साथ आई तो आपकी जो उम्मीद है, जो आपकी इच्छा है, जो समस्या है, समस्या को समाधान के और आपकी उम्मीदों को समाजवादी पार्टी पूरा करेगी। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कर्तव्य मीटिंग बुलाएंगे पार्टी के लोगों की और कहेंगे कि घोर में इतनी बड़ी विश्वास सभा, लाखों लोग आए उम्मीद के साथ आए समाजवादी पार्टी में, तो उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे, हम आपको निराश नहीं करेंगे। हाँ, मेरी भावना है उसको पूरी भावना का आदर करते हुए अखिलेश को भारी मुआवजा जिताना और समाजवादी पार्टी को। बांदा के नरैनी रोड स्थित तो बसपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा में बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंची। जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने संबोधन में विपक्षी पार्टियों पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बसपा प्रदेश में अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ रही है। जहां देश भर में हिजाब को लेकर जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, इसी बीच भोपाल से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान आया। उन्होंने कहा कि हिंदू इतना श्रेष्ठ है, इतना संस्कारी और उच्च विचारधारा का होता है कि उसे कभी भी हिजाब पहनने की जरूरत नहीं होती। हिजाब उन्हें पहनना चाहिए जिनको अपने घर में ही परेशानी है, उनके घर में ही वो संकट में है, खतरे में है, उनके घर में ही उनकी शील और मर्यादा खतरे में है, इसलिए उनको घर में ही हिजाब पहनना चाहिए, बाहर पहनने की जरूरत नहीं है। हमारा जो हिंदू समाज है वो भी किसी ऐसे बंधन में नहीं है कि उसको बांट दिया जाए या उसको खोल दिया जाए तो वो बिखर जाए, ऐसा बिल्कुल उसके साथ कोई बंधन नहीं है। हिंदू इतना श्रेष्ठ, इतना उच्च विचारधारा का, इतना संस्कारित होता है कि हमें कहीं भी हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है, नहीं है ना? हाँ, हिजाब उनको पहनना है जिनको अपने घर में ही परेशानी है, उनके घर में ही वो संकट में है, उनके घर में ही वो खतरे में है, उनके घर में ही उनके शील और मर्यादा खतरे में है, इसलिए उनको घर में भी हिजाब पहनना चाहिए और बाहर तो हिंदू समाज जहां निकलता है तो वहां पहुंच पहनने की आवश्यकता नहीं है, और जहां ज्ञान प्राप्त होता है, जहां हम अध्ययन करते हैं, वहां तो बिल्कुल ही नहीं। हमारे खास कार्यक्रम जुबानी वार पलटवार में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।